नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीनगर में देर रात फायरिंग की घटना के बाद भीड़ ने डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला। जम्मू कश्मीर पुलिस के बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को नौहट्टा इलाके में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है। आपको बता दें कि कल देर रात इलाके में फायरिंग की घटना के बाद 3 जख्मी हो गए थे। इसी के बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया और उसने डीएसपी मोहम्मद अयूब को घेर लिया और बाद में मार डाला। अशरफानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पूरी खबर बताएं। श्वेता, काफी चौंकाने वाली ये खबर है, क्योंकि जिस अंदाज से, जिस बर्बरता से इस पुलिस अफसर को पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला, वो कश्मीर में पहले कभी देखने को नहीं मिला है। दरअसल कल शब कदर थी, जो रमजान के महीने में एक महत्वपूर्ण और पवित्र रात होती है मुसलमानों के लिए। उसी के लिए वहाँ जामिया मस्जिद, जो श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। और वहाँ पर जब रात भर ये दुआओं का सिलसिला चल रहा था, उसी बीच कुछ युवकों ने एक शख्स को शक के दायरे में देखा और उससे पकड़ने की कोशिश की। जब उसने वहां से जवाबी कार्रवाई में फायर किया पिस्टल से, जिसमें 3 लोग घायल हुए, और उसके बाद जो आसपास वहां पर भीड़ थी, उन्होंने उस शख्स की को पर काबू पा लिया और उसके बाद उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। लेकिन रात भर पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी ये मारा गया शख्स कौन है, और उसको लेकर कई कयास हो रहे थे। लेकिन आज सुबह अब पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल में ये जिक्र किया है कि मारा गया शख्स पुलिस में सीआईडी का डीएसपी था। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी चिंताजनक घटना है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान और अफसर निशाने पर हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चिंताजनक बात है। यहाँ पर फिलहाल जो है इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच चल रही है, और इस बात को खंगाला जा रहा है कि इस पुलिस अफसर की हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ था। बिल्कुल। और आज जम्मू कश्मीर में इस घटना को लेकर प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है अलगाववादियों की तरफ से। बिल्कुल श्वेता, दरअसल अगर हम देखें तो रमजान में जिस अंदाज से हिंसा आपकी बार हुई है, कभी कश्मीर में रमजान के महीने के दौरान, जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है, नहीं हुआ है। यहाँ तक कि रमजान के महीने में कई बार जो है सीज फायर हुआ है, लेकिन अब की बार जो है लगातार पिछले कई दिनों के दौरान जिस अंदाज से कश्मीर में तनाव और हिंसा बढ़ी है, उस बीच आज अलगाववादी संगठनों ने नमाज के बाद, क्योंकि आखिरी जुमा है रमजान के महीने का, और नमाज के बाद प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो पुलिस किसी तरह की मतलब कोशिश को नाकाम करने के लिए कई इलाकों में चलने फिरने पर प्रतिबंध लगाया है, और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।